हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। विलेज सोनी डिजिटल मार्केटर, आज हम आ गए लीडिमाइटिंग कोर्स के कंप्लीट सीरीज में। लेसन 34, हाउ टू क्रिएट लीड जनरेशन फॉर्म इन लिंक्डइन, यानी कि लिंक्डइन में लीड जनरेशन फॉर्म कैसे बनाएं, आज के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम समझने वाले कुछ की पॉइंट्स, और आज का हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि लिंक्डइन पर जब भी हम लीड जनरेशन की एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उससे पहले हमें कैसे एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करने आना चाहिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लिंक्डइन ऐसा सोशल मीडिया और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा हम बड़ी तेजी से लीड जनरेट कर सकते हैं और एक इफेक्टिव वे में हमें फिल्टर आउट एक बढ़िया लीड हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो इन्हीं सभी डिटेल के साथ हम आज जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं कि लीड जनरेशन फॉर्म को किस तरह से प्रैक्टिकली लिंक्डइन पर किया जाता है। तो चलिए फर्स्टली हम समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट लीड जनरेशन फॉर्म इन लिंक्डइन, यानी कि लिंक्डइन पर लीड जनरेशन फॉर्म कैसे क्रिएट करें। अक्सर आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अगर फेसबुक की बात करें तो वहां पे भी लीड जनरेशन फॉर्म्स यूज होते हैं, और आपने फेसबुक मार्केटिंग कोर्स की वीडियोस में भी समझा होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर लीड जनरेशन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। सेम जगह तरीका अगर हम देखा जाए तो लिंक्डइन पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और यहाँ पर हमें जाना होता है एसेट में, जिसमें कि हम इजिली तरीके से लीड जनरेशन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। और लीड जनरेशन फॉर्म वो होता है जिसकी बड़ी तरह से एडवर्टाइजिंग होती है, और देन इसी के साथ ही कोई पर्सन उस फॉर्म से रिलेटेड उसको कोई क्वेरी चाहिए होती है या फिर कुछ उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी कंपनीज को ऑडियंस के बारे में, तो वो इजीली तरीके से लीड जनरेशन फॉर्म डालती है और जिस इस फॉर्म को एडवर्टाइजिंग करती है, ज्यादा यूजर ज्यादा ऑडियंस उसको देखती है और फॉर्म को फिल करने लगती है। जैसे वो फॉर्म फिल होने लगता है तो ये पूरी डिटेलिंग हमें फिल्टर आउट डेटा जो है लीड जनरेशन फॉर्म का वो पूरी तरीके से हमें मिल जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लिंक्डइन के जो लीड जनरेशन फॉर्म है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला है लिंक्डइन का लीड जनरेशन फॉर्म से, जिसके साथ ही हमें यहाँ पर एक इजीली तरीके से क्वालिटी लीड्स हमें यहाँ पे मिलती है, और साथ ही साथ हम लिंक्डइन पर इस तरह की बढ़िया एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म ज्यादा से ज्यादा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस लीड्स को अट्रैक्टिव करने के लिए एक पावरफुल टूल जो है लिंक्डइन में हमें प्रोवाइड करवाता है। तो इसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमें फिल्टर आउट ऑडियंस चाहिए है तो हम लीड जनरेशन फॉर्म के थ्रू कम्प्लीटली यहाँ पर एक फिल्टर आउट ऑडियंस ले सकते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में डिटेली और प्रैक्टिकली बात करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आ गए हैं गूगल पे, और यहाँ पर हम ओपन करेंगे लिंक्डइन, और लिंक्डइन ओपन करने के लिए हमें यूजर पासवर्ड के साथ यहाँ पर साइन इन होना होगा। जैसे हम यहाँ पे साइन इन होंगे तो आप देख पाओगे कि किस तरह से हमारा पूरा डैशबोर्ड हमारे अकाउंट का अपनी प्रोफाइल का यहाँ पे शो होने लगता है। आप देख सकते हैं हमारे डिजिटल TMD के नाम से पेज और प्रोफाइल है। तो चलिए आज का हमारा मेन टॉपिक यह है कि किस प्रकार से हम लिंक्डइन जनरेशन फॉर्म जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं लीड जनरेशन फॉर्म, इन सभी के बारे में कम्प्लीटली जानने वाले। तो इसके लिए हमें जाना होगा वर्क में, और यहाँ पर हमें जाना होगा टाइज वाले ऑप्शन में। जैसे हम एडवर्टाइज वाले ऑप्शन में टैप करेंगे तो हमारे सामने लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर जैसे ही ओपन होता है तो आप देख पाओगे कि हमारे दोनों अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं, साथ ही साथ स्टेटस से रिलेटेड हर एक चीज हमें शो हो रही है कि किस तरह से हमारा अकाउंट होल्ड है और किस डेट से हमने शुरू करा था, हमारा टोटल बजट कितना है, ये सभी चीजें हमें कैंपेन मैनेजर में देखने को मिलता है। तो चलिए हम कैंपेन मैनेजर में टैप करेंगे, और देन इसके बाद हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरह से आज हम यहाँ पर कंप्लीटली एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि हमें ज्यादा ज्यादा एक नए फॉलोअर्स बोल सकते हैं, या फिर हमें एक नई ऑडियंस मिल जाती है जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को लेने के लिए रेडी रहती है, एक हमें फिल्टर आउट ऑडियंस मिल जाती है जिसके थ्रू हम कम्प्लीटली उन्हें सही सर्विस दे सकते हैं। तो उन सभी के लिए अगर हम एक बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग चलाएं तो लीड जनरेशन फॉर्म जो है एक बढ़िया तरीके से टूल्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और आज के टाइम पे लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला लीड जनरेशन फॉर्म टूल्स बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए इन सभी के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए आज हमें यहाँ पे जो है क्रिएट कैंपेन ग्रुप नहीं करना होगा, इसमें भी एक लीड जनरेशन फॉर्म की एडवर्टाइजिंग होती है, उसके बारे में आने वाले लेसन्स में हम बात करेंगे। बट आज हम बात करने वाले कि किस तरह से लीड जनरेशन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो अकाउंट है उसके जस्ट नीचे प्लान, एडवर्टाइज, टेक्स्ट, एनालाइज और उसके जस्ट नीचे एसेट्स लिखा होगा। तो हमें जाना है एसेट्स वाले कॉलम में, और यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा हुआ है लीड जनरेट फॉर्म। तो हमें लीड जनरेशन फॉर्म पे टैप करना है, और जैसे हम लीड जनरेशन टैप पे फॉर्म पे क्रिएट करेंगे तो देन इसी के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ओपन हो चुका है लीड जनरेशन फॉर्म का। अब इसमें हमारा कोई भी कंटेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा, पूरा ब्लैंक बता रहा है। और अर्चिप की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म हमने अर्चिप में नहीं डाला है। तो चलिए हम कंटेंट की बात करते हैं कि इस प्रकार से हम लीड जनरेशन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें जाना होगा क्रिएट फॉर्म पे, और जैसे हम क्रिएट फॉर्म पे टैप करेंगे तो आप देख पाओगे कि लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर में हमारा जो है लीड कैंपेन मैनेजर जो है पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, और यहाँ पर हम इजिली तरीके से लीड जनरेशन फॉर्म को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्म की डिटेलिंग डालनी होती है,
हमारा फॉर्म का नेम क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे एज ए नेम कैजुअली नेम लिख देता हूँ, तो मैं लिख दिया लीड जनरेशन फॉर्म। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म नेम लीड जनरेशन फॉर्म, देन इसी के बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस हमेशा इंग्लिश ही रहेगी क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेजेस कॉमन लैंग्वेजेस आज के टाइम पे इंग्लिश बन चुकी है, तो इंग्लिश को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। देन इसके बाद अब ऑफर की हेडलाइन डाल दें कि आखिर में हम ऑफर क्या देना चाह रहे हैं। ऐसे सिंपल में अगर हम बात करें, हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल आउट करना चाहते हैं तो हम उसकी लगा सकते हैं ऑफर हेडलाइन लगा सकते हैं, या फिर हम जो भी वेबिनार्स क्रिएट करना चाहते हैं वेबिनार्स रिलेटेड यहाँ पे बोल सकते हैं। तो चलिए मैं ऑफर हेडलाइन क्या देना चाहता हूँ, तो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार। तो एज ए डेमो में आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चीजों को चेंजेस कर सकते हो। अब आप देख पाओगे कि किस प्रकार से हमारे डेस्कटॉप पे राइट हैंड साइड आपको पूरा प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा होगा कि किस प्रकार से हमारा यहाँ पे लोगो, हमारा पीछे का पेज यहाँ पे शो हो रहा है। देन इसी के बाद हमने जो ऑफर हेडलाइन लिखी वो भी इस तरह से शो हो रही है। चलिए थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव वे में लिख देते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया लगे। तो चलिए इनको कुछ चीजों को हम यहाँ पे जो है वर्ड को चेंज कर देते हैं। देन इसके बाद इन थोड़े थोड़े सेंटेंस को हमने यहाँ पे जो है कम्प्लीटली कैपिटलाइज फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, ऑफर की डिटेल्स हमें लिखनी है, क्या क्या हम ऑफर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये ऑप्शन होता है, अगर आपको अपने ऑफर के बारे में कुछ बताना है तो आप इजिली तरीके से डिटेलिंग फिल कर सकते हो। तो आपके ऊपर होता है कि आपको करना है नहीं करना है, ऑप्शनल में होता है, आप चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। पर चलिए एज ए डेमो के लिए मैं आपको हर चीज बताऊँ, तो इनके बारे में कम्प्लीटली हम यहाँ पे एक ऑफर डिटेल लिख लेते हैं, बट एज ए डेमो में आपको हर चीज बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें ऐसे सिंपल वे में बता देता हूँ। देन इसी के बाद हमने यहाँ पे कुछ चीजें हमने लिख ली हमारे ऑफर डिटेलिंग में। अब बात आती है प्राइवेसी पॉलिसीज यूआरएल। अगर जब भी आप लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज भी यूआरएल लगाना होगा, जिसके थ्रू कोई भी नई ऑडियंस आती हो वो आपके लीड जनरेशन फॉर्म को देखती है। और अगर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लगाते तो सामने वाले पर्सन को हैकिंग या फ्रॉड की ऐसी चीजें थिंकिंग्स आने लगती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रकार के फॉर्म्स क्रिएट करें तो प्राइवेसी पॉलिसी जरूर लगाए, जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस आने वाले फॉलोवर्स जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी को समझे कि आप का किसी भी प्रकार से डेटा गलत तरीके से यूज करने का इरादा नहीं है। तो ये सभी चीज आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में होनी चाहिए, तो उसकी यूआरएल आपको यहाँ पे लगाना है। तो चलिए मैं इसकी प्राइवेसी पॉलिसी की यूआरएल लगा देता हूँ। तो सिंपल वे में हमारी अपनी साइट का लगा देते हैं हम। देन इसके बाद हमने अपने प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल लगा दिया। इसके बाद अगर हम प्राइवेसी पॉलिसी कुछ टेक्स्ट लिखना है, ऑप्शनल में हम कुछ लिखना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल होता है, तो आप इसके बारे में कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख देते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ चीजें, और जिसके थ्रू हम कम्प्लीटली अपने कंपनी के नेम या जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसका नेम भी जरूर मेंशन कीजिए, जिसके थ्रू यहाँ पे ज्यादा लोगों तक बड़ी पति से पता चले कि आप जो चीजें कर रहे हो या जो भी प्राइवेसी पॉलिसी दे रहे हो वो पूरी तरीके से जेन्युइन है। तो ये सभी चीजों का आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने कुछ स्टेप यहाँ पे फॉलो कर लिए हैं। देन इसी के बाद आप नीचे देख पाओगे यहाँ पे सेकंड स्टेप में बोला गया है लीड डिटेल्स एंड कस्टम क्वेश्चंस, ऐसे आपको डिटेलिंग यहाँ पे मिलने लगी। तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ लीड डिटेल्स और एक कस्टम क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे क्रिएट करने। तो मैं इधर पे किस तरह से यहाँ पे लीड की डिटेल्स डाल सकता हूँ, जैसे कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी लीड फॉर्म जब क्रिएट होता है या बनता है तो उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस तो जरूर होता है। अब इसी के साथ हम और भी क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो हमारे ऊपर होता है। तो जैसे कि हम कॉन्टेक्ट की बात करें तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट बटन लगा सकते हैं, या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल या फोन नंबर। तो चलिए हम कॉन्टेक्ट बढ़ाने के लिए फोन नंबर लगा देते हैं। इसी के साथ हम और भी सामने वाले पर्सन से कॉन्टेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम उसके एरियाज पर स्पेस की बात कर सकते हैं, कौन सी सिटीज में रहते हैं। देन इसी के साथ अगर हमें वहां का जिप कोड या पोस्टल कोड चाहिए तो हम यहाँ पे जिप कोड भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ वर्क ईमेल, अगर उनका ईमेल एड्रेस है तो हम उनका ईमेल आईडी भी ले सकते हैं। तो इजीली तरीके से आप देख पाओगे कि एक कंटेंट फॉर्म के लिए अगर हमें एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस के साथ फोन नंबर्स, फिर कौन से सिटीज में रहता है सामने वाला पर्सन, या फिर पोस्टल जिप कोड क्या है और वर्क ईमेल, ये सभी चीजें चूज करने के बाद आप देख पाओगे कि किस तरह से हम यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज हम बात करें। तो वर्क के साथ हमने ये चीजें लिख ली, वर्क हम चाहते हैं कि हमें सामने पर्सन की एक कम्प्लीटली लीड जनरेशन फॉर्म के साथ वर्क पता चले कि जॉब टाइटल क्या है या सीनियरिटीज क्या है, फंक्शंस क्या है, तो हम यहाँ पे चाहे तो ये ऑप्शंस को लगा सकते हैं। देन इसी के साथ ही हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, ऐसी कंपनीज में नेम काम करता है, कौन सी कंपनी में करता है, तो ये चीजें भी हम इजिली तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब एजुकेशन की बात करें, क्योंकि सामने वाले पर्सन को हम उस हिसाब से कम्प्लीटली अपने कोर्सेज सेल आउट करना चाहते हैं या फिर वेबिनार्स क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार्स देना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कुछ फील्ड ऑफ स्टडी से है सामने वाले पर्सन, कौन सी यूनिवर्सिटी से, ये रिसेंट डेट क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे डिग्री की बात कर देता हूँ कि सामने वाले पर्सन को अपनी डिग्री बतानी होगी कि वो किस डिग्री उन्होंने कंप्लीट की है। देन इसके बाद अब डेमोग्राफी आता है, डेमोग्राफी में सबसे ज्यादा जेंडर्स आते हैं, तो ये विल नॉट बी प्री फ्रोड, हम चाहे तो इस मेंबर्स के हिसाब से अपने हिसाब से जेंडर्स लगा सकते हैं, कितने लोग मेन है कितने लोग वुमेन्स है, इस हिसाब से अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है कि 12 से ज्यादा टॉपिक्स आप नहीं लिख सकते,
और हमने यहाँ पे 9 टॉपिक्स चूज कर लिए, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सिटीज, पोस्टल जिप कोड, डिग्री, वर्क ईमेल और जेंडर्स। अब ये हमारा फॉर्म के लिए जो हमने ड्रिलिंग करी है पूरी तरह से फुलफिल हो चुकी है। अगर हमें और भी कस्टम क्वेश्चंस करने हैं तो हम कर सकते हैं 8 कस्टम क्वेश्चंस। हमें अगर कुछ और मल्टीपल क्वेश्चंस हिसाब से चीजें पूछनी है, वेबिनार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, या फिर हम चाहते हैं कि हम जो हमारा जो मेन टॉपिक है वेबिनार्स को उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, देन उसका आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, चलिए सिंपल में लिख देता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देख पाओगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से एक कंप्लीट वे में हम बोल सकते हैं कि हम आंसर क्वेश्चन बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंगल इन द इनपुट में बना सकते हैं। चलिए मल्टीपल क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, आंसर हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा कि क्या है, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग है या इंटरनेट मार्केटिंग है। तो इस तरह से हम अपने कंप्लीटली एक बढ़िया तरीके से कस्टम क्वेश्चन को इंक्रीज कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लिख देते हैं कि ऑफलाइन मार्केटिंग, तो इजिली तरीके से आप देख पाओगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं और किस प्रकार से हम यहाँ पे एक बढ़िया वे में एक लीड जनरेशन फॉर्म के लिए किस किस चीजों का हम डिटेल में फिल कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है जो डिजिटल मार्केटर या फिर आप लिंक्डइन पर कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो हमें जानना जरूरी है कि आज के टाइम पे लीड जनरेशन फॉर्म के लिए हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे डिटेलिंग फिल करनी चाहिए जो ज्यादा हेल्पफुल होगी हमारे लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बाय डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डेमो के लिए आपको बता रहा हूं, तो हमने यहाँ पे दो ऑप्शन लिख दिया, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग। अब देन इसी की तरीके से हम चाहे तो और भी कस्टम क्वेश्चन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब कस्टम चेकबॉक्स की बात करें तो किस प्रकार से हम चाहते हैं कि अलग अलग चेकबॉक्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि यूज कस्टम चेकबॉक्स टू करेक्ट मेंबर्स कंसेंट, वी रिकमेंडेड यूजिंग वन चेकबॉक्स फॉर ईच डिस्टिंक्ट पर्पस। अगर आपको कुछ पर्पस है, आप यहाँ पे चेकबॉक्स मैसेज लगा सकते हो, लोगों को रिक्वायर्ड कर सकते हो कि इस फील्ड की रिक्वायर्ड है, आप इस तरह की चेकबॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप अपने टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, आप चाहते हो कि नहीं अगर आपको हमारे वेबिनार कंडक्ट करना है तो आपके साथ ये चीज होनी चाहिए, या फिर आप इस फील्ड में कंप्लीटली आपकी मास्टरी होनी चाहिए, या आप हमारा वेबिनार क्रिएट करना चाहते हो या लेना चाहते हो, तो इस तरीके हम अपने हिसाब से टर्म एंड कंडीशंस को लगा सकते हैं। चलिए अब इसी के तरीके से हम और भी देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो है किस तरह से यहाँ पे चूज हो गया है। देख पाओगे आपके यहाँ पे जो है हमने कम्प्लीटली अपना डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार के नाम से लीड जैसे फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करा है। आप देखोगे ईमेल एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, वर्क ईमेल भी आ गई है। तो यहाँ पे आप दो चीज आप नोटिस करेंगे कि ईमेल एड्रेस भी आ गई, वर्क ईमेल भी आ गई, तो दोनों एक जैसी हो रही, तो हम चाहे तो अपने हिसाब से इसको हटा सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ने ईमेल एड्रेस हो गया, वर्क ईमेल हमारे लिए काम की नहीं है, अगर हमें सामने पर्सन की उसकी कंपनीज के बारे में जानना है तो हम इस तरह से यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं। अब कंप्लीटली यहाँ पे हम बात करेंगे कि और भी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। तो आप देखोगे कि हम चाहते हैं कि नहीं, हमें तो चेकबॉक्स नहीं करना, तो हम इसे डिलीट कर दीजिए। देन इसी के बाद अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, कंफर्मेशन। अगर आप सामने वाला पर्सन अगर आपकी लीड जनरेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर लेता है, पूरी डिटेलिंग फिल कर लेता है और कंफर्मेशन आपको देना है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर विजिट दिस पेज। तो चलिए मैं इस तरीके का यहाँ पे एक डेमो के लिए लिख लेता हूँ, तो मैंने लिख लिया थैंक यू विजिट दिस पेज, थैंक यू विजिट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया थैंक यू फॉर विजिटिंग या थैंक यू फॉर जो भी चीज हम लिखना चाहते हैं उस मैसेजिंग को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन इसी के बाद यहाँ पे हम और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे हमने वेबिनार्स की बात करी तो हम बोल सकते हैं रेडी फॉर वेबिनार्स, या फिर हम बोल सकते हैं रेडी फॉर डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार्स। तो हमारे हिसाब से हम जो भी चीजें चाहते हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा मेन कन्फर्मेशन क्या है। तो रेडी फॉर डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार्स, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, या हम ये जो भी चीजें हम लिखना चाहते हैं हमारे हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या क्या चीजें मैसेजिंग के थ्रू समझाना चाहते हैं लोगों को। अब यहाँ पे हमें अपना लैंडिंग पेज URL लगाना होता है। लैंडिंग पेज URL हम बोल सकते हैं अपनी वेबसाइट का हम लगा सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे कोर्स को या फिर जो भी लीड जनरेशन फॉर्म को भर रहा है उसे कुछ ऑफरिंग देना चाहते हैं, कुछ ई बुक्स डाउनलोड करने के लिए देना चाहते हैं, तो उस प्रकार के हम यहाँ पे लिंक्स लगा सकते हैं। हम चाहे तो अपनी ड्राइव की लिंक लगा सकते हैं जहां पर हम अपनी ई बुक्स को देना चाहते हैं, कुछ और कोर्सेस उन्हें देना चाहते हैं, तो इजीली तरीके से अपने लैंडिंग पेज का URL हम लगा सकते हैं। चलिए मैं जो डेमो के लिए अपने पेज का URL लगा देता हूं, देन मैं आपको पूरी डेमो के हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से हर एक चीज को कंप्लीटली फिल आउट कर सकते हो। अब आप देख पाओगे URL थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा लैंडिंग पेज URL भी लग चुका है। हम चाहते हैं कोई भी हमारा पर्सन अगर किसी भी तरीके से लीड जनरेशन फॉर्म को कंप्लीटली फुलफिल कर लेता है तो इजीली तरीके से हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकता है, साथ ही साथ वो हमारे कोर्सेज को या परचेस कर रहा है तो वो इजीली तरीके से हमारे वीडियो
वजह से हम जो भी उसे फ्री देना चाह रहे हैं, सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वो हमें ले हमसे ले सकता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है थैंक यू मैसेज कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज देना होता है थैंक यू मैसेज का, तो कॉल टू एक्शन आपका मेन क्या है? जब इस प्रकार की लैंडिंग पेज वाले लगा रहे हैं तो आप लर्न मोर देना चाहते हैं या व्यू नाउ देना चाहते हैं, डाउनलोड नाउ या फिर ट्राई नाउ। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ विजिट कंपनी वेबसाइट, आप विजिट कीजिए हमारी कंपनी वेबसाइट। तो यहाँ पे विजिट वेबसाइट आ जाएगा, तो इजीली तरीके से आप देख पाओगे कि और भी क्या क्या चीजें यहाँ पे शो होने लगती हैं। इसका चलते हैं फोर ऑप्शन में जिसमें लिखा हुआ है हिडन फील्ड्स। अब हिडन फील्ड्स क्या होती है, ऑप्शनल होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें बोला गया है अगर हम हिडन फील्ड्स को ऐड करते हैं तो ये हमारे फॉर्म में हम ट्रैकिंग पर्पस के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है, देन इसके साथ ही ये किसी मेंबर्स को शो नहीं करता है और ये कम्प्लीटली हमें एक एडिशनल पर्सनल डेटा दे देता है जो सबमिट कर रहा है उस मेंबर का। तो हम अपने हिसाब से एक हिडन फील्ड लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें उस प्रकार की ऑडियंस चाहिए जो ज्यादा है, जैसे कि हम बात करते हैं, हमने जैसे एक लीड जनरेशन फॉर्म बनाया तो हमने अपने लिए बनाया कि इसका नाम हमने एक लीड जनरेशन फॉर्म रखा है, वो भी किसके टॉपिक पे रखा है, तो हमने किसी वेबिनार के ऊपर रखा हुआ है। तो हमने वेबिनार के ऊपर रखा तो हमने अपने फील्ड नेम रख लिया है, हम उसकी वैल्यू देना चाहते हैं, इस वैल्यू से हम कितनी चाहिए होती है, फिर हम चाहते हैं कि हमें अप्रोक्स अपने हिसाब से टारगेट पहुंचना है कि हमें 800 लीड्स चाहिए। तो इजिली तरीके से हमने अपने फील्ड का नेम रख लिया वेबिनार, और फील्ड वैल्यू हमने रख ली कि 800 के अप्रोक्स होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ क्या होगा कि कोई भी मेंबर जब भी हमारे फॉर्म को कंप्लीटली फिल करेगा और हमसे कंप्लीटली सबमिट करेगा तो देन इसके बाद पता चल जाएगा कि हमने जो वेबिनार्स वाला लीड फॉर्मेट लगाया था उसमें हमने अपने फील्ड नेम रखा था वेबिनार। उस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, ऑप्शनल होता है कि जो भी डिजिटल मार्केटर या जो भी लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो अपने हिसाब से यहाँ पे हिडन फील्ड लगा सकता है जिसके थ्रू वो समझ सकता है सामने पर्सन की जो फॉर्म जो है वो हमने किस लिए क्रिएट किया था और हम अपने हिसाब से यहाँ पे चीजों को लगा सकते हैं। तो ये हमारे पर्पज से होता है, नॉट फॉर किसी मेंबर्स के लिए होता है। तो इजिली तरह से ये चीजें भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाती है। देन इसी के बाद ये पूरी स्टेप फुलफिल होने के बाद जैसे हमने फॉर्म डिटेल यहाँ पे कंप्लीट किए, देन इसके साथ ही हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हमने प्रीव्यू में बात करी थी हमारा किस प्रकार से लोगो यहाँ पे दिखाई देगा, पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पे सो होगा और यहाँ पे आप देख पाओगे कि किस तरह से हमने ऑफर डिटेल्स लिखी गई है, मेन टॉपिक लिखा गया है और साथ ही साथ किस प्रकार का हमने यहाँ पे ऑप्शनल में कुछ चीजें लिखी गई है। देन इसी के साथ हम यहाँ पे इलेवन एड्रेस लिखना चाहते हैं या फिर देन इसी के साथ कोई फोन नंबर्स और जेंडर्स, और देन इसी के साथ हमने यहाँ पे क्वेश्चनिंग लगा दी है। तो इसलिए तरह से आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो रही है, वो हो रही है नेम, और साथ ही साथ आप देखोगे तो नेम और फर्स्ट फोन नंबर्स की यहाँ पे सिंपल वे में हम समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लीड डिटेल में जानते हैं कि और भी क्या क्या चीजें जो है हमने यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं लगाई है। तो आप देख पाओगे कि किस तरह से हमारा जो लीड जनरेशन का फॉर्म है यहाँ पे ये चीजें फुलफिल होने के बाद नीचे नेम और लास्ट नेम और सिटी नेम पूछा जाएगा और डिग्रीज पूछी जाएगी और इसके बाद ये डिटेलिंग यहाँ पे पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी। और थर्ड स्टेप में हमने कंफर्मेशन के लिए हमारे हमने अपने मैसेजेस डाले हुए यहाँ पे, जैसे थे रेडी फॉर ईमेल मार्केटिंग, वेबिनार्स, थैंक यू पेज हमने यहाँ पे लगा दिया, लैंडिंग पेज का यूआरएल हमने यहाँ पे लगा दिया, कोई पर्सन विजिट कर सकता है हमारी वेबसाइट पर, वो इजिली तरीके से यहाँ पे विजिट हो पाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पे सभी चीजें जो हमने कंप्लीटली लीड जनरेशन फॉर्म में होती है वो हमने पूरी तरीके से फुलफिल कर ली है। तो जैसे कि मैंने आपको ये प्रीव्यू दिखाया डेस्कटॉप का था, अगर मोबाइल की हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पे रेडी रहेगा हमारा लीड जनरेशन फॉर्म, तो जैसे कि आप देख पाओ। तो चलिए मैं आपको एक बार और फिर से ले चलता हूँ अपने फॉर्म डिटेलिंग में और आप देख पाओगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कंप्लीटली शो होने वाली। तो कोई पर्सन अगर हमारे लीड जनरेशन फॉर्म को ओपन करता है मोबाइल फोन में तो उसके सामने इस तरह का यहाँ पे फॉर्म क्रिएट होगा, जैसे वो उसे सबमिट करेगा देन इसके बाद वो सबमिट करने के बाद हमारे सेकंड स्टेप पे यानी कि लीड जनरेशन फॉर्म की कस्टम डिटेल में पहुंच जाएगा और साथ ही साथ वह कंफर्मेशन में पहुंच जाएगा कि किस तरह से हम सामने वाले पर्सन को कंफर्मेशन कर सकते हैं और हमारे बारे में एक इजीली तरीके से बता सकते हैं कि आपने हमारे पेज को विजिट करा, उसके लिए थैंक यू। देन इसके बाद वह हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकता है, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये पूरा प्रीव्यू इस तरह से यहाँ पे चीजें शो होती है। देन इसके बाद हम एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारा फाइनली लीड जनरेशन फॉर्म जो है पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा और ये सेविंग हो जाएगा हमारा फॉर्म। तो आप इसलिए देख पाएंगे और हम इसे कम्प्लीटली अपने लिंक्डइन कैंपेन मेजर में शो कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें अगर जरूरत भी रहेगी तो हम इसी तरह से टिक करके और लीड जनरेशन फॉर्म को इजीली तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। लीड्स को जब हमारे पास धीरे-धीरे इसकी एडवर्टाइजिंग चलने लगेगी तो हमारे पास नंबर ऑफ लीड्स यहां पे आने लगेगी। आई होप कि आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा किस प्रकार से हम यहाँ पर अपना लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं लिंक्डइन में और साथ ही साथ इसी तरीके से नए नए ऑडियंस को बढ़िया तरीके से इसकी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आई होप कि आप इसे जरूर प्रैक्टिकली करके देखोगे। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।